नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज समाप्त हो चुकी है। भारतीय टीम ने T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 5-0 से जीत लिया है। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इस वनडे सीरीज में भी भारत T20 सीरीज की तरह क्लीन स्वीप कर जीतना चाहेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह के 7:30 बजे हैमिल्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस सीरीज की भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर की जाएगी। इसी बीच वनडे मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 मैच में रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे, जिसके बाद रोहित फील्डिंग करने भी नहीं आए थे। BCCI ने आज बताया है कि वनडे सीरीज से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा थे। मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल करने के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सेलेक्टर्स पर उंगली उठाई थी, क्योंकि सेलेक्टर्स ने शानदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार यादव को नजरअंदाज किया है। दोस्तों, आपके अनुसार क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मयंक अग्रवाल की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि वनडे सीरीज के लिए कुछ इस प्रकार है भारतीय टीम। मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी। तो दोस्तों, पहले वनडे मैच के लिए कैसी होनी चाहिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11, इसे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें। क्रिकेट जगत की सभी ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।